बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजी लर्निंग आपको वंस अगेन खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मेन, उसकी तरफ आज हम लोग फोकस करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली एक्सरसाइज की तरफ फोकस करना है, रिव्यू। हम लोग तकरीबन चैप्टर नंबर 3 को कम्प्लीट कर चुके हैं। अब जो ये वाली आज की जो एपिसोड है और जो कमिंग एपिसोड है, उसमें हम लोग जो लास्ट टाइम जितनी भी डिस्कशन है, रिकैप है सब, उसको दोबारा से एक बार डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जो रिव्यू एक्सरसाइज, इसमें एमसीक्यूस क्वेश्चंस थे जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एग्जाम्स में एमसीक्यूस की फॉर्म में आते हैं, तो उनको क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए छोड़ा था। वो क्वेश्चंस को आपसे कहा था कि आपके पीछे इनको आंसर भी गिवन है, तो आप उनको कोशिश करें कि ख़ुद से सॉल्व कर लें। लेकिन उम्मीद है कि उनको आपने सॉल्व कर लिया होगा। आज हम लोग जो है ये वाली ज़रूर डिस्कस कर लेंगे जो कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं। यहाँ पर गिवन नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलें इसी बहाने मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो आ रहा है, फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेस इज़, आपको पता है कि जब भी हम लोग बात करेंगे कॉमन लॉगरिथम की, तो उसकी जो बेस है वो क्या होती है। उसकी बेस आप लोगों के पास अंडरस्टूड है, वो 10 है। कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम वो लॉगरिथम है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो लॉग ऐसा लॉग है जिसमें लॉग लिखें ना भी लिखें कोई चीज़ तो अंडरस्टूड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पर लॉग लिखा हुआ है, सो इसके नीचे यहाँ पर कुछ भी बेस मेंशन नहीं है, इट मीन्स के बेस अंडरस्टूड है वो 10 है। सो इसी तरीके से यहाँ पर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज़ कॉल्ड। सो इंटेग्रल पार्ट, बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया था कि इंटेग्रल पार्ट वो पार्ट होता है जिस चीज़ का आप यूँ समझ लें कि लिया जा रहा होता है लॉग। लेकिन एक्चुअल में इंटेग्रल पार्ट हम उसको कहते हैं कि जिस चीज़ का लॉग ले रहे हैं उसका डेसिमल से पहले वाला हिस्सा, उसको हम एक्चुअल में जो है वो उसको इंटेग्रल पार्ट कहते हैं। सो इंटेग्रल पार्ट जो होता है किसी भी कॉमन लॉगरिथम में, जब आप इंटेग्रल पार्ट लेते हैं तो जो डेसिमल से पहले वाला पोर्शन है, उसके बारे में ये कह रहा है कि वो क्या होता है। इंटेग्रल पार्ट ऑफ ए कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, करैक्टरिस्टिक कहते हैं। यानी कि डेसिमल से पहले जो आपका इंटेग्रल पार्ट कन्वर्ट होता है वो किस चीज़ में होता है, करैक्टरिस्टिक में। सो द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम इज कॉल्ड द डैश। सो डेसिमल पार्ट, आप दूसरा पार्ट जो कि पॉइंट के बाद वाला होता है, इसे हम लोग मेंटिसा कहते हैं। इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग वाई, देन वाई इज़ दी, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि एक्स इज इक्वल्स टू लॉग वाई। यहाँ पर वाई एक्चुअली क्या है, वाई इज़ डेफिनेटली आपके पास एक इस चीज़ का लॉगरिथम है या फिर क्या है। देखें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि एक्स इज इक्वल्स टू लॉग वाई, तो वो पूछ रहा है y यहाँ पर क्या है, x का पूछ रहा है। तो y का बताने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि y जो है x, सबसे पहले मैं ये इसको समझाने के लिए x बताता हूँ। x क्या है, y का log है, यानी कि जो भी आपने log y का लिया, जो आंसर आया x वो क्या है, x का log है। सो इसी तरीके से जो यहाँ पर y है, y इज़ इक्वल्स टू एंटी log ऑफ x, सो ये दूसरी साइड पे चला गया। तो सो ये जो ln है ये कहाँ से आया, y इज इक्वल्स टू एंटी log ऑफ x। सो उसने हमसे ये सिचुएशन पूछी, तो हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पुट करेंगे, एंटी log। x जो है वो y का log है, ठीक है, लेकिन जो y है वो x का रिवर्स है, डेट इज़ द एंटी log। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इफ द करैक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज 2, अगर किसी लॉगरिथम में किसी करैक्टरिस्टिक आप जिस नंबर का ले रहे हैं वो 2 है, और यहाँ पर ये बाय चांस ये मिस्टेक है, ये जो ये 2 नहीं 2 बार है। सो इस बुक जो मैं बुक कंसल्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, इस बुक में मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। एनीवे ये जो मिस्टेक थी इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर लिया। डैट नंबर विल हैव डैश ज़ीरोज इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। सो अगर तो आप किसी नंबर का एंटी लॉग ले रहे होते हैं, तो आपको पता है कि हम लोग करैक्टरिस्टिक को देखते हुए एंड पे उसका जो एंटी लॉग का जो आंसर आता है उसमें डेसिमल को एडजस्ट करते हैं। उसने सिचुएशन यह दी कि आपके पास जो आई है सिचुएशन वो ये है कि उसमें 2 हैं नंबर ऑफ जो
लाइक समझ लें कि किसी चीज़ का जो लॉग था वो ये है 2.3210. सो इस चीज़ का आपने लेना था अब एंटी लॉग. इस चीज़ का मैं क्या लेना चाह रहा हूँ, एंटी लॉग. हम जा रहे हैं इसका एंटी लॉग. एंटी लॉग लेने का तरीका ये होता है, आपको पता है अच्छे तरीके से, कि आप इसको सिर्फ बल्कि ये ज़ीरो ख़त्म कर दें, चार डिजिट्स तक आप इसको फोकस करेंगे और फोर डिजिट्स में आप लोग, बल्कि इसको रहने दें, फोर डिजिट्स को आप फोकस कर लें और ये जो करैक्टरिस्टिक होता है इसको आप लोग, ये करैक्टरिस्टिक है, ये आपका पार्ट मेंटिसा होता है, मेंटिसा को आप फोकस करेंगे, यानी कि 0.3210 इसका आप लोग क्या निकाल लेंगे. इसकी मदद से आप लोग टेबल्स में जाएंगे, ये आप लोगों के पास टेबल्स होते हैं. सो टेबल्स में आपको पता है कि थ्री पार्ट्स होते हैं, ये एक और पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया ये वाला सारा, और यहाँ पर आप लोगों के पास एक और पार्ट होता है जिसके अंदर आगे से फर्दर आपकी डिवीजन होती है. सो इस तरीके से आप लोग अपने टेबल्स को फाइंड आउट करते हैं और यहाँ से टेबल्स को यूज़ करते हुए आप लोग एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल इसका जो एंटी लॉग लिया हुआ है 5892, ये इस नंबर का आपने एंटी लॉग टेबल्स की मदद से ये आपने इसको यहाँ पर लिख दिया है. अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इस करैक्टरिस्टिक को एंड पे देखेंगे और करैक्टरिस्टिक की मदद से यहाँ पर हमने डेसिमल पॉइंट को लगाना होता है. उसने आपको क्वेश्चन में मेंशन किया कि आपके पास टू बार है, इट मींस कि ये टू बार है, तो इसका मतलब ये कि इसमें दो टोटल जो हैं वो कितने ज़ीरोज़ आएंगे, कितने ज़ीरोज़ आएंगे, टू. सो इट मींस डैट द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आर टू. ये मैंने आपको शॉर्टकट बताई हुई है, लेकिन इस शॉर्टकट में एक बात कभी भी मिक्स ना करना कि 0.0 इस तरह लिखना है, ना कि आप समझेंगे इसमें 20 आने हैं तो कई एग्जाम्स में ये मिस्टेक ना करना कि 0.0058 इस तरह लिख दें या 92 इस तरह कर दें. लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी है आपने कि ये शॉर्टकट मैंने जो आपको समझाई थी कि 2 है तो 20 आएंगे, 3 होता तो 30 आएंगे. लेकिन ये बात भी जहन में रखिएगा कि जो जीरोज़ मैं आपको बताता हूँ उसमें एक ज़ीरो जो इस डेसिमल से पहले होता है मैं उसको भी शामिल करता हूँ. क्लियर है? सो इट मींस के क्वेश्चन में जो आपको उसने पूछा है वो ये कह रहा है कि डेसिमल जो पॉइंट है ना इसके बाद कितने जीरोज़ हैं. इसके बाद आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही ज़ीरो है. सो हम ब्रैकेट यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या लिख सकते हैं कि इफ़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज़ टू बार देन द नंबर विल हैव डैश ज़ीरोज इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, 10 ओनली. ठीक है, अब एक और सिचुएशन देखते हैं इसके अगेंस्ट, इसके उलट, कि अगर आपके पास करैक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज़ 1, किसी नंबर का करैक्टरिस्टिक आप देख रहे हैं कि वो 1 है. ठीक है, सो द नंबर विल हैव डैश डिजिट्स. यहाँ पर अगेन एक मिस्टेक है क्योंकि मैंने साथ में अपनी जो दूसरी मेरे पास बुक अवेलेबल है लेटेस्ट, मैंने वो भी साथ में कंसल्ट की हुई है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर डैश है, यहाँ पर मिसिंग है. सो इफ़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज़ 1, ठीक है, द नंबर विल हैव डैश डिजिट्स, कितने डिजिट्स वो रखता होगा अपने इंटेग्रल पार्ट में. अब आप लोगों को के बारे में वो पूछ रहा है कि डिजिट्स बताएं कि वो कितने डिजिट्स हैं. इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक नंबर है, सपोज करें कि कोई ये नंबर है, यहाँ पर एक नंबर है. ठीक है, इस नंबर का आगे आपने क्या किया, लॉग लिया. लॉग लेने के बाद आपके पास एक और नंबर बना. ठीक है, जो एक नया नंबर बनता है लॉग लेने के बाद वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है. आपको मैंने ये समझाया था, एक पार्ट ये प्लस एक पार्ट ये दो पार्ट होते हैं. एक पार्ट को हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक, एक पार्ट को हम कहते हैं मेंटिसा. इस क्वेश्चन में जो लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, इस केस में उसने आपको ये बताया है कि आपके जो करैक्टर, ये जो करैक्टरिस्टिक है ना, इस करैक्टरिस्टिक में क्या है, आपके पास जो है वन है, करैक्टरिस्टिक आपके पास 1 है. अगर आपके पास करैक्टरिस्टिक 1 हो तो इधर जो आपके पास था, मतलब पॉइंट कहाँ पर था, क्योंकि ये करैक्टरिस्टिक बेसिकली हम कहाँ से लेते थे, ये डिसाइड होता था कि 2.3210 इस तरह है. तो ये जो है डेसिमल, ये बता, इससे जो पहले वाली, मतलब ये सारी चीज़ है, इसको हम फोकस करते हुए ही हम करैक्टरिस्टिक को लिखते थे. ये अगर आपके पास जो डेसिमल है वो अगर यहाँ पर होता, लाइक यहाँ पर, तो हम यहाँ पर करैक्टरिस्टिक को चेंज कर देना था, हमने यहाँ पर 2 हो सकता कर देते. अगर ये डेसिमल यहाँ पर होता तो यहाँ पर करैक्टरिस्टिक अफेक्ट हो जाना था. यानी कि करैक्टरिस्टिक से हम ये इस डेसिमल से हम लोग करैक्टरिस्टिक का अंदाज़ा लगाते हैं. ठीक है ना, और इसी तरह से इस क्वेश्चन में उलट कर दिया है, उसने आपको करैक्टरिस्टिक बता दिया और आपको कह रहा है बताएं कि डेसिमल जो है वो कहाँ पर है.
अब आपको उसने कहा क्या कहा है कि करैक्टरिस्टिक आपका क्या है, वन. सो करैक्टरिस्टिक आपका अगर वन हो तो आप अपनी वो स्लॉट्स को मेमोराइज़ करें. मैं जनरली थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपके पास करैक्टरिस्टिक वन, क्योंकि वो जो स्लॉट्स थी ना वो इस तरह से थी कि वन से लेकर नाइन तक जब होता था तो हम लोग क्या लेते थे, ज़ीरो. इसी तरह फिर टेन से लेकर आपके पास जब होती थी 99 तक हम लोग वन करैक्टरिस्टिक लेते थे, लाइक ये वाला केस. सो वन कब लेते थे, आपके पास करैक्टरिस्टिक वन है ना, यहाँ पर जब वन लेते हैं तो क्या डेसिमल पॉइंट क्या होता है, दो डिजिट्स के बाद, यानी कि 10 भी टू डिजिट है, 99 भी टू डिजिट्स है. इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर डेसिमल होगा टू डिजिट्स के बाद. हम यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देंगे, टू डिजिट्स. सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसको एक्सप्लेन करते हुए. जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग. ये सारे क्वेश्चंस को में से आपने एक्स को फाइंड करना है. मैं यहाँ पर ये जो थर्ड वाला ये सबसे टफ लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें से फाइंड कर लेता हूँ. इट्स वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ. ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका मेरे पास एक शायद थर्ड पार्ट है. सो इसके अंदर अगर हम देखें तो लॉग फाइंड करना है. लॉग फाइंड करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. यहाँ पर आप लोगों ने लॉग को फाइंड करना है. बेस बहुत एक डिफरेंट है. जब इस तरह की बेस आ जाए तो इस लॉग का डेफिनेटली एक ही मतलब होता है कि इस लॉग का आंसर आपको लॉग टेबल से नहीं बल्कि यहाँ से ऐसे ही मिल जाएगा. सो ये x बाय 4 कर सकते हैं, x 1 से मल्टीप्लाई होकर x बाय 4. सो यहाँ पर अगर मैं करूँ तो ये जो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो 625 की पावर x बाय 4, ये जो x बाय 4 है इस साइड पे आ जाएगा, ये जो 5 है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा. सो इज़ इक्वल्स टू 5. सो यहाँ पर मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो यहाँ पर अगर 5 है तो ये जो किसी ना किसी तरह ये जो बेस है ये 5 की पावर वट एवर द पावर इज, बट ये किसी तरह 5 की पावर बन जाए. सो अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो मैं आपका डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 5 की पावर अगर आप 4 करें तो यहाँ पर जो है वो x बाय 4 बन जाएगा. ठीक है, यानी कि ये 5 की पावर 4 है. सो ये 4 इस 4 से कट जाएगा. 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 5. तो यहाँ पर क्या है, 1. ये बेस जब सेम हो तो हम इनकी पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1. सो इसी तरीके से आप लोग इसके बाकी पार्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं. इन द नेक्स्ट सेक्शन यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, बट दिस टाइम डेफिनेटली यू विल नीड टू कंसल्ट टू द लॉगरिथम टेबल्स, बिकॉज यू कैन सी हेयर दैट द लॉगरिथम हैव द बेस ऑफ 10. सो जब बेस 10 आ जाती है तो हम लोग लॉगरिथम के टेबल्स को कंसल्ट करते हैं. और यहाँ पर आप इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ये 4 डेसिमल प्लेसेस भी इसमें मौजूद हैं. सो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं. और क्वेश्चन नंबर 4 का मैं कोई सा एक पार्ट जो भी मुझे अच्छा लगता है अपनी मर्जी से मैं चूज़ कर लेता हूँ. सेकेंड पार्ट जो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया बस वही मेरा मैंने फाइंड करना है. सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है. जस्ट आप लोगों ने लॉग टेबल्स आपको यूज़ करने आने चाहिए हो तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं लॉग टाइम शॉर्ट है, मैं लॉगरिथम टेबल्स तो यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता. सबसे पहला काम यहाँ पर आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है क्वेश्चन में एक्स का आ गया है. सो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है. तो इसका मतलब हमने इसका उलट करना है, हमें एक्स चाहिए. सो एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग. ये वाले क्वेश्चंस तो हमने बहुत बार किए हैं, ये उसका लास्ट पार्ट है. जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 में हमने क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें हर क्वेश्चन में एंड पे ये सिचुएशन बनती थी सॉल्व करते हुए कि हमारे पास एक लॉग ऑफ समथिंग आ जाता था जिसमें हमने एक्स जैसे यहाँ पर फाइंड करना, तो हम क्या करते हैं दूसरी साइड पर लॉग को ले जाते हैं तो वो एंटी लॉग बन जाता है. सो यहाँ पर अगेन आप लोग इस चीज़ का एंटी लॉग लेंगे. मैं जल्दी से इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि सबसे पहले आप लोग 0.18 को फोकस करेंगे. 0.18 की जो लाइन होगी कंप्लीट उसको हाईलाइट करते हुए 2 में जाएंगे. 2 के सेक्शन जहां पे इंटरसेक्शन होगी वो आप लोगों के पास मैं जल्दी से बता देता हूं, वो आएगा 1521. और देन आप लोग 1 के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर वो 0 है. सो इसमें ये चीज जब ऐड होगी तो ये अगेन 1521 ही रहेगा. एंड में उसके अंदर मेन टारगेट आता है कि आप लोग इसका डेसिमल पॉइंट क्या लेंगे. डेसिमल पॉइंट लेने के लिए हम लोग करैक्टरिस्टिक के ऊपर फोकस करते हैं. सो यहां पर करैक्टरिस्टिक क्या है, 0. सो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो आपने एक फार्मूले का ऐड करना होता है. सो इट मींस कि 1 के बाद आएगा 1 आपने अपने पास से 0 प्लस 1. एक फार्मूला है इसका कि जो भी यहाँ पर करैक्टरिस्टिक हो उसमें आपने अपने पास से 1 ऐड करना है. तो जैसे यहाँ पर करैक्टरिस्टिक क्या था, 0, मैंने अपने पास से 1 को ऐड किया तो रिजल्ट इज 1. सो 1 के बाद एक डिजिट के बाद आपके जो है वो डेसिमल आएगा. सो दैट इज़ दी 1.521, ये इसका आंसर होगा. इसी तरीके से आप लोग फोकस करके बाकी क्वेश्चन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको नेक्स्ट एपिसोड के साथ शामिल कर लेंगे.
क्वेश्चन नंबर फाइव को अगर आप देखें तो यहाँ पर लॉग टू की वैल्यू गिवन है, थ्री की गिवन है, इसी तरह लॉग फाइव की वैल्यू भी गिवन है, और इसको यूज़ करते हुए हमने कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्यों ना लग रहा हो, ये बात अपने जहन में रखिए कि जब आप लोगों को लॉग की वैल्यूज़ गिवन है, इट मीन्स डैट कि कोई ना कोई ऐसा चक्कर ज़रूर होगा कि लॉग आपको लॉग टेबल नहीं दिया जाएगा। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर लाजमी आपको वहाँ पर मैंशन कर दिया जाता है कि लॉग टेबल्स को यूज़ किए बगैर, क्योंकि ये जो ऊपर दिए हुए हैं ना, ये किसी मकसद के लिए दिए हुए हैं, ये एवे नहीं दे दिए उसने आपको। अगर उसने आपको वैसे ही कह दिया था कि फाइंड द लॉग ऑफ दिस, सो ये क्यों दिए हैं उसने टू की, थ्री की, फाइव, इसका मतलब ये कि यहाँ पर कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी। तो सपोज करते हैं कि मैं, ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इन दोनों में से मैं कोई एक क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ। सपोज करते हैं कि मैं क्वेश्चन थ्री को ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कि आप देख रहे होंगे कि ये डेसिमल वाला सीन जो है ये किस तरीके से एडजस्ट होगा, सो इसको ही कर लेते हैं। क्वेश्चन जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ द फिफ्थ वन, मुझे एक बार देख लेने दें। हाँ जी, क्वेश्चन फिफ्थ का मैं थर्ड पार्ट अभी सिलेक्ट किया है, डैट इज़ द लॉग ऑफ 0.048। सो इसमें हम लोग सबसे पहले डेसिमल को ख़त्म करेंगे। अभी तक हमने बेशुमार बार इस तरह की बात की है कि डेसिमल को किस तरीके से ख़त्म किया जाता है। सो डेसिमल को सपोज करते हैं कि हमने फाइंड लेट, सबसे पहला काम बल्कि हम लोग कहते हैं लेट एक्स इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ 0.048। इसका मतलब ये है कि हमने एक्स फाइंड करना है। सो सबसे पहला पार्ट ये करेंगे कि हम लोग डेसिमल को ख़त्म करेंगे। डेसिमल को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आपने डेसिमल को यहाँ से यहाँ लाना है, इसका मतलब ये कि आपने 1, 2, 3, सो थ्री डिजिमल आपने डेसिमल को पास करवाना है टूवर्ड्स राइट साइड। कितने डिजिट्स? थ्री डिजिट्स। सो ज़ीरो पॉइंट पॉइंट ख़त्म कर दें, अब आपके पास ये बन गया 48, लेकिन नीचे आपने क्या लगाना है, एक के साथ कितने ज़ीरो, 1, 2, 3। सो जितने डिजिट्स आपने मूव करवाना होता है उसके उतने ही ज़ीरो नीचे मेंशन करने पड़ते हैं। सो अब आपने लेना है लॉग ऑफ 48 डिवाइडेड बाय 1000। सो यहाँ पर हम लोग एक सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और वो सिचुएशन हमारे पास ये है कि लॉग ऑफ 48 माइनस लॉग ऑफ 1000। सो ये एक आपके पास सिचुएशन है, यूं जो भी होती है मैंने आपको बताया कि इसको ब्रैकेट में ही सॉल्व किया करें, ये आप लोगों के पास, वरना मिस्टेक भी हो जाएगी। सो लॉग ऑफ 48, अब लॉग ऑफ 48 का मैं लॉग तो पता नहीं है, सो इसकी फैक्टराइजेशन आप लोग करवा सकते हैं। फैक्टराइजेशन करने का क्या असूल होता है, सबसे छोटे से कोशिश किया करें, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12 एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 2। सो इसका मतलब ये कि 2 × 2 × 2, इससे ये हमारे पास कुछ आ रहे हैं कि 2 × 2 × समथिंग। सो 2 की पावर 1, 2, 3, 4, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1, सो 3। सो ये एक चीज़ हो गई। इसी तरह ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट को कभी नहीं ख़त्म करना। लॉग ऑफ 1000 की जब आप फैक्टराइजेशन करवाते हैं तो वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वो बन जाएगा 2 की पावर 3 और प्लस, सॉरी प्लस कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 5 की पावर भी 3। सो ये आप लोगों के पास है इसकी 1000 की फैक्टराइजेशन। इस फैक्टराइजेशन को फोकस करते हुए अगर हम लोग आगे चाहें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ को फ़ायदा उठाएंगे। 2 की पावर 4 प्लस लॉग ऑफ 3, ये जो मल्टीप्लाई था ये प्लस में कन्वर्ट होगा, माइनस साइन, और लॉग ऑफ 2 की पावर 3 प्लस लॉग ऑफ यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 3। इसीलिए मैं कह रहा था कि ब्रैकेट्स को ख़त्म नहीं करना, उसकी वजह अब आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो रही है। ये देखें, अगर आप ब्रैकेट्स को यहाँ पर यूज़ ना करते तो आपने ये जो यहाँ पर प्लस था इसको कभी भी ठीक तरह से लिख नहीं पाना था। ये अब देखें, प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो गया, वरना अगर आप ये ब्रैकेट ना यूज़ कर रहे होते तो ये माइनस आपने इसके साथ लगा लेना था और यहाँ पर आप लोगों ने मिसिंग कर देना था, क्योंकि आपने इसको प्लस बना लेना था तो ये माइनस तो यहाँ पर लग जाना था, आपने कहना था ये माइनस इसके साथ है तो प्लस प्लस यहाँ पर चलते जाना था। सो लॉग ऑफ 5 की पावर 3, सबसे पहला काम ये करने के बाद हम लोग अब फोकस करेंगे क्या, कि लॉग की कोर प्रॉपर्टी है कि जो पावर्स होती हैं उनको स्टार्ट में ले आता है। 4 log of 2 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो एज इट इज़ रहने दें, और 3 log of 2 एंड 3 log of 5।
फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की तरफ मूव करें, और क्वेश्चन में आप लोगों को लॉग ऑफ टू भी गिवन है, लॉग ऑफ थ्री भी गिवन है एंड लॉग ऑफ फाइव भी गिवन है. सो लॉग की सारी वैल्यूज़ वो बन चुकी हैं, लॉग ऑफ टू, लॉग ऑफ थ्री, टू एंड लॉग ऑफ फाइव. सो सारी क्वेश्चन को हमने जो है वो इसी तरीके से स्प्लिट किया, इसी तरीके से इसको डिवाइड कर लिया कि अब जो जो वैल्यूज़ गिवन थी उनमें हम लोग इसको ले आए. लॉग ऑफ टू अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, डैट इज़ 0.3010 प्लस लॉग इसका जो आंसर आ रहा है डैट इज़ दी 0.4771 माइनस 3 लॉग ऑफ 2 0.3010 एंड माइनस 3 लॉग ऑफ 5 0.6990. सो इन सारी वैल्यूज़ को आप लोग आपस में सिंपल अब तो अब इस चीज़ का जो है मेरे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है उसको मैं अगेन थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा. ये आ रहा है यहाँ पर, ये आपको पता है कि हमारे पास ये तो माइनस का आंसर आ गया. हमें पार हमारे पास सिर्फ करेक्टरिस्टिक नेगेटिव का हो सकता है, बट मेंटिसा ये, क्योंकि ये इसका मतलब ये है माइनस वन सिर्फ इसके साथ नहीं है बल्कि ये सिंपल अरिथमेटिक की है ना मैंने, तो इसका मतलब ये है कि माइनस वन इसके साथ नहीं बल्कि इसके साथ भी है, मेंटिसा के साथ भी है. सो इसको हम मेंटिसा को साइड पे करना है पॉजिटिव पार्ट. सो ये ऐसे ही है जैसे यूँ समझ लें कि आपको अगर मैं कहूँ कि 2.5 है, ठीक है, बल्कि 3 कर लेते हैं कि अगर आपके पास 3 है माइनस का, तो अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इसको ऐसे लिख लें माइनस 3, और को ऐसे लिखा जा सकता है माइनस 2 एंड माइनस 1. सो ये अगर मैं इसमें से सेपरेट करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको ऐसे लिख लूँगा कि माइनस 1 प्लस 0.3189, नहीं, क्योंकि इसको इसमें दोबारा ऐड करें क्या वापस जाता है इस ये चीज़ बनती है, देख लेते हैं कि ये बनती कि नहीं. माइनस वन ये माइनस का है और ये पॉजिटिव का है, इसका मतलब ये है कि माइनस का जैसे ही सिचुएशन में माइनस का टू और इसमें प्लस का वन ऐड करेंगे तो कम हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस का तो इसमें एक दूसरे से ये सब्ट्रैक्ट होंगे, जैसे ये माइनस वन रह जाएगा कम हो जाएगी. सो इसका मतलब ये है कि जब भी माइनस वाली कोई चीज़ ब्रेकअप होगी तो वो दो माइनस की चीज़ों में होगी, ये नहीं समझना कि कभी ये पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगी, ठीक है. सो इट मींस कि ये सारा माइनस का पार्ट है, इसमें ये सारी की सारी चीज़ जो है ये नेगेटिव की है, अंडरस्टैंड, आपने इसको नेगेटिव कंसीडर करना है. हम चाहते हैं कि इसमें से पॉजिटिव पार्ट को सेपरेट करवा लें, किसी ना किसी तरह इसमें से पॉजिटिव पार्ट को सेपरेट करवाएं. उसका तरीका क्या होता है, ये माइनस वन पॉइंट समथिंग है तो इससे थोड़ा सा बड़ी वैल्यू, यानी कि माइनस वन पॉइंट समथिंग जो है वो किसके दरमियान आता है, अगर मैं इस टू में से ये सब्ट्रैक्ट करवा दूँ सारा कुछ, क्योंकि टू से तो ये सब कुछ छोटा ही है ना, माइनस वन पॉइंट समथिंग है. सो हम लोग टू में से अगर ये सारी चीज़ सब्ट्रैक्ट करवा दें तो कोई ना कोई पॉजिटिव का आंसर हमें मिल जाएगा. इस चीज़ को अपने फोकस करना है, ये क्या है माइनस वन पॉइंट से पहले. सो माइनस वन से बड़ी यानी कि प्लस टू एंड माइनस टू. सो मैं अब ये काम करने लगा हूँ कि 2.0000 में से ये चीज़ को माइनस करवाने लगा हूँ, माइनस वन कह लें कि ऐड करवाने लगा हूँ, माइनस तो नहीं कह सकते, सिंपल ऐड करवा रहा हूँ. ऐड करवाया तो क्या बना, यानी कि माइनस का वन तो आएगा ही ना, 1.3189. सो अगेन इस सिंपल पॉइंट को बेशक आप यहाँ पर भूल सकते हैं क्योंकि पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो गया किस्म का. सो ये दो चीज़ें जो है इनको आपने मर्ज कर देना है. सो मर्ज करने के बाद आप लोग इसमें से सिंपल जो है वो यानी कि बोरो करेंगे, ये 10 बन गया है तो यहाँ पर ये फिर बोरो किया तो ये 10 बन गया, यहाँ 9 रह गया, यहाँ से एक बोरो किया, वही जो सिंपल बेसिक आप लोग फिफ्थ क्लास में पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स, उसको यूज़ करते हुए जब आप लोग सारा प्रोसीजर सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर अपने उसी डायरेक्टली थोड़ा लिख रहा हूँ ये हम लोग जो सारा यूज़ प्रोसेस करने के बाद. वो मेरे पास जो सिचुएशन आ रही है वो है 6.0, यहाँ पर 0 रह गया क्योंकि ये आपने बोरो कर लिया, माइनस वन और ये माइनस वन 0, और पॉइंट तो मैंने वैसे ही आपको कहा था ख़त्म कर लें, बेशक चलें लिखा है तो लिखा रहने दें. यहाँ पर जब आप लोगों के पास 10 बन जाएगा, 10 में से 9 माइनस हुआ तो 1, यहाँ पर आपके पास 9 रह गया हुआ था क्योंकि एक यहाँ पर बोरो किया, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पर भी 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पर अभी 9 में से 6 गया तो उस 9 में से 3 गया तो 6. सो 0.6811. सो यहाँ पर बन गया 0.6811. अब ये जो आपके पास माइनस 2 है ये प्योर माइनस 2 है और ये प्योर पॉजिटिव की वैल्यू है. इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं इस तरीके से कि 2 को 2 बाहर लिख लें और 0.6811. सो ये आपका आंसर है. इसको थोड़ा सा क्लियर क्लैरिफाई करना था, ये थोड़ा सा एक पॉइंट.
सो एनी वे आप लोगों को होपफुली आज की एपिसोड पसंद आई होगी. इसमें आप लोगों ने काफ़ी कुछ देखा होगा कि ये रिपीट हुआ है एक्चुअली सब कुछ. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन 6 को सॉल्व करें, इसका कोई दो पार्ट डिस्कस कर लें, उसके बाद इस समरी को फाइनली डिस्कस करें और इस लेक्चर को वाइंड अप कर दें. इसमें से अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं. इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में. टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.